मिलेगा, विधेय में जन्म लेगा, चाहे वो योगियों घर ले, जैसे गीता लिखा है कि ऐसा पुरुष विधेय योगियों घर में रहता है। तो इस विधि अवस्था को भी अगर पार ना करेगा तो फिर जन्म तो होगा ही। अब इसलिए वो कहते हैं हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना होगा, और दूसरी सीढ़ी जो है जिसमें के जन्म भी ना लेना पड़े वो है कर्म संन्यास योग। वो आप पढ़ लेना बाद में। कर्म संन्यास योग में आगे मिलेगा कि हम ऐसा कर्म करें जिस कर्म को करते हुए भी देखें भाई शरीर कर रहे आत्मा तो नहीं कर रहे, उस आत्मावस्था पहुँचे जब मैं खा रहा हूँ पर मैं तो नहीं खा रहा, आत्मा नहीं खा रही, मैं देख रहा हूँ आत्मा तो नहीं देख रही, उस मानसिक उस उच्च अवस्था पहुँच जाता जब, तो वो उसको कहते हैं प्रकृति लय अवस्था, प्रकृति का स्वामी हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मावस्था के अंदर है, वो देखता है कि ये काम प्रकृति कर रही है मैं नहीं कर रहा। ईश्वर भी तो यही कहता है मैं संसार बनाता हूँ पर मैं नहीं बनाता, कौन बनाता है? प्रकृति बनाती है, ईश्वर कब संसार बनाता है? वो योगी कहते हैं मैं नहीं चल रहा, ये शरीर चल रहा है, मेरा किस संबंध है चलने से? वो है कर्म संन्यास। ये कर्म को भी छोड़ देना, कर्म करना ही नहीं, संन्यास का मतलब छोड़ना है, कर्म भी छोड़ देना, कर्म करना ही नहीं, पर करना नहीं कर तो सकते हो, पर मैं ना कर रहा शरीर कर रहा है ना। ये अवस्था बड़ी ऊंची अवस्था है, इस अवस्था को कहते हैं प्रकृति लय, अर्थात प्रकृति के हम स्वामी बन जाते हैं, योग दर्शन की प्रकृति लय अवस्था। उस अवस्था के अंदर आकर क्या होता है? फिर भी जन्म लेना पड़ता है, कर्म नहीं करते परंतु प्रकृति फिर भी हमारे साथ है, शरीर का मैं चल नहीं रहा पर शरीर फिर भी मेरे साथ है। वो जो अवस्था है वो कहता है कि मैं चाहूँ तो प्रकृति को अपने साथ मेल जोड़ूं या ना जोड़ूं। और उस अवस्था में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी अवस्था है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवित्था नाम धर्मस्य तदात्मन सुजाम्यम, जब चाहता तो मैं आ जाता हूँ, मैं थोड़ा कहता हूँ मैं जब आ जाता हूँ, आप लोग कहते हैं मैं जब आ जाता हूँ आ जाऊँ। कृष्ण ही कह सकते हैं कि जब चाहूँ आ सकता हूँ, जब चाहूँ जा सकता हूँ, वो तो कृष्ण ही कह सकते हैं ना। और वो अवस्था कौन सी है? वो पाँचवें अध्याय की अवस्था है, इसको कहते हैं कर्म संन्यास योग। और वो जो आप आगे आगे पढ़ेंगे अखीर लेता हूँ, अखीर में जा क्या होता है? आता तो कृष्ण भी है ना भाई, अवतार भी आते हैं, दुख सुख सहन करते हैं, कृष्ण भी आया, राम भी आया, प्रभु जी आए, फिर भी दुख सुख सहन गए, हमें ये नहीं चाहिए, हम तो समुद्र में बूंद से मार जाना चाहते हैं। और वो इसलिए कहा, वो जाकर 18वें अध्याय में आता है, पर कैसे आता है, कैसे आता है? 17 अध्याय पूरे करने होंगे, एक एक अध्याय, ये नहीं का अध्याय पढ़ लिया, एक अध्याय का एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तक कहाँ से कैसे उठती है, उसका संबंध क्या है? ये इस ग्रंथ के अंदर एक अध्याय जैसे कहा ना, हर एक अखिल दो यहाँ के पहले लिखा है कि विधि अवस्था जानिए मोक्ष का एक स्थान और सोपान मोक्ष के आगे ले लो जान, आगे 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 देखना पड़ेगा। तो जहाँ तीनों का वर्णन कर दिया, तीन सोपान मोक्ष के एक विधेय कहलाए। अब ये जो विधेय अवस्था हमने पढ़ी ये पहली अवस्था है, दूसरा प्रकृति लय, फिर दूसरी अवस्था है प्रकृति लय की अवस्था जो पांचवें अध्याय के अंदर आएगी आपको, और फिर पढ़ते चले जाओ पढ़ते चले जाओ, अखीर में जाकर तीसरी अवस्था आएगी ब्रह्मलीन, दूसरा अध्याय फिर दूसरा प्रकृति लय ब्रह्मलीन हो जाए, उसके बाद ब्रह्मलीन हो जाता है वो तीसरी अवस्था, जब आदमी वो जीव आएगा ही नहीं, उसको कृष्ण भी बनना नहीं पड़ता, उसको विदेह भी बनना नहीं पड़ता, कुछ नहीं बनना पड़ता, वो तो बिल्कुल उस ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो वो अवस्था गीता की है, ये गीता है
जो आप गीता पढ़ते हैं वो गीता पूरी तरह और तरह समझते हैं। इस रामायण के अंदर गीता समझाई गई और तरह समझाई गई है। इसमें तो क्रमवार कि पहला अध्याय से दूसरा क्यों शुरू होता है, दूसरे तीसरा क्यों शुरू होता है, तीसरे चौथा क्यों शुरू होता है, चौथे पाँचवा क्यों शुरू होता है, पाँचवें छठा क्यों शुरू होता है, और 18वें अध्याय तक जाकर अब गीता का अंत हुआ। और ये दूसरी बात कि जो जो लिखा ना कि संन्यास योग, हर एक चैप्टर का योग है, और इस चैप्टर के ये योग कहाँ लिखा है, गीता के आखिर में जो गीता के एक चैप्टर खत्म होता है नीचे लिखा है श्रीमद् भागवत सु उपनिषद सु कृषि कृष्ण संवादे विषाद योग नाम प्रथम अध्याय, तो योग हर एक अध्याय के साथ लिखा है। तो इस सारे योग के चैप्टर हैं, सारे 18 चैप्टर योग के हैं। और फिर साथ ले दिया उपनिषद सु श्रीमद् गाता गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद उपनिषद सु, वो उपनिषद का क्या पूछा गया, ये गीता सांग ये लिखा कि योग शास्त्र उपनिषद लिख दिया, तो योग शास्त्र तो हो गया, हर एक चैप्टर योग का है, उपनिषद क्या होते हैं, उप मैंने होता है पास, निषद मैंने होता है बैठना सुनना। जब शिष्य और गुरु बैठ कर कोई बातचीत करते हैं वो जो उपदेश है वो उपनिषद होता है। जितने उपनिषदों के ज्ञान है चैप्टर हैं वो गुरु और शिष्य के संवाद हैं, ये गुरु और शिष्य का संवाद है, इसलिए इसको उपनिषद का उपनिषद सू क्यों लिखा, बहुवचन, क्योंकि 18 चैप्टर हैं, एक नहीं ना 18 बातें हैं इसमें, और इस प्रकार ये उपनिषद भी है और योग शास्त्र भी है और कृष्ण अर्जुन का संवाद भी है, और हर एक चैप्टर का कोई केंद्र योग है, किस योग वो क्यों आया क्यों आया क्यों आया। कई बार भ्रांति हो जाता है कि ये क्या ज्ञान है, भाई ज्ञान है तभी दिया इसमें, पर क्यों दिया ये तो यहाँ पर कोशिश की है स्पष्ट करने की। तो आज हमने ये क्या, अब मैं थोड़ा सा अपने इनको कहूँगा थोड़ा सा ये भी उपदेश कर दें, हैं क्या बोल लो, तो थोड़ा 15 मिनट बोलना फिर पाठ शुरू कर देंगे रामायण का। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम ला, ये ग्रंथ अभी तो वापस कर देने, फिर लेनी हो तो वैसे ले लें।